सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। दसवीं कक्षा में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29। समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि घन क्षेत्र आयताकार आधार पर पड़ी दिशा में भूमि रेखा के साथ दाईं ओर को 20 डिग्री का कोण बनाती है। भुजा 3 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें एक्स वाई रेखा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से, ये हमारी है एक्स वाई लाइन है और इस पे 30 डिग्री पे है। तो हमने यहाँ से 30 डिग्री लेना है, मैंने आपको बताया है ये कोण हमारा 30 डिग्री का होता है, तो हमने यहाँ से इसका 30 डिग्री लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर लाइन लगा देंगे, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, थोड़ी लंबी हम लाइन लगा देते हैं। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ से और हमने ये 1 सेंटीमीटर जो है वो हमने डॉटेड यहाँ पे लगानी है लाइन। उसके बाद हम लगाएंगे 5 सेंटीमीटर रेखा होगी हमारी, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर और ये जो हमारा कोण बन रहा है ये कोण हमारा है 30 डिग्री का। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा है, तो हमें ये कैसे दिखेगी यहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ। हमें सामने से जब हम इसको देखेंगे तो कैसे दिखेगी, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे ये देखिए आप, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ये ए और बी हम यहाँ पे नाम देते हैं, तो ये बराबर है 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो हम 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और हमने यहाँ पे तो हल्की से हम चाप लगा देंगे, बाद में हम इसको मिटा देंगे। ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसको हम जो है वो मिला लेते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हम देख सकते हैं, ये हमारा है सी पॉइंट है, ये हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो हमने क्या करना है, इसका हमने आधा करना है इस त्रिभुज का, तो इसका आधा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर पे, और हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब जब हम इसको ऊपर से देखें तो हमें एक ये लाइन दिखेगी, एक ये लाइन दिखेगी और एक ये लाइन दिखेगी, यहाँ से हमें रेखाएं सीधी दिखेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके ये पॉइंट आए हैं, ये आपका पॉइंट है, यहाँ हम नाम दे देते हैं इसका ए, यहाँ हम नाम दे देते हैं इसका ए, ये वाली रेखा, ये जो रेखा यहाँ से आगे होगी ना, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये वाली रेखा ये है, यहाँ से हमने 90 डिग्री पे हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, और ये हमारा आएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हमने ऐसे ही 90 डिग्री पे यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन हमने लगानी है, और यहाँ बीच में आएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसको हमने मिला देना है, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है। इसको हम डार्क मिला देंगे, और ये जो हमारी रेखा आएगी इसको भी हम डार्क मिलाएंगे, क्योंकि ये जो बीच वाली जो रेखा है ये रेखा है, ये सी वाली रेखा है, यहाँ हम सी दे देते हैं, यहाँ सी, क्योंकि यहाँ सी है तो ये यति के साथ आएगा, और ये हमारा पॉइंट है, ये है बी, ये वाला, ये आप देख सकते हैं ये बी है। जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो इस तरह से इसका हमारे प्लान दिखेगा, ये हमने एक साइड से देख रहे हैं बिल्कुल, ये हम ऊपर से देखेंगे। अब जब ये हम फिर इस साइड से देखेंगे
इस साइड से या इस साइड से, लेफ्ट से या राइट से जब हम देखेंगे तो हमें कैसी ये दिखेगी ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके प्रोजेक्शन लेने, पहले एक्स वाई तक यहाँ से ये आप देखिए यहाँ से त्रिभुज के इस तरह से ये हमने बी का प्रोजेक्शन ले लिया है। तो यहाँ हम बी लेते हैं डबल ए टी के साथ इस तरह से, ये हमारा सी है, ये हम सी ले लेंगे। अभी हम यहाँ पे कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि ये ऊपर जानी है रेखा और ये हमारा ए है, तो ए को हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारा ए बी डबल ए टी के साथ आएगा। इसके बाद हमारा ये हमारा बी है इस तरह से, और बी के हमें प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ पे, ये मुश्किल नहीं है आसान है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका है बी, ये डबल ए टी के साथ आएगा, ये आपका सी है। तो हम सी का भी प्रोजेक्शन नहीं, यहाँ पे नाम नहीं देंगे, प्रोजेक्शन तो लेंगे पर नाम इसका नहीं देंगे क्योंकि ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसका ऊपर जाना है। ये आपका ए है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ए पॉइंट है, ए भी हमारा डबल ए टी के साथ आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो हाइट है वो हमें नहीं दी है, ये इसकी हाइट, ये आप देख सकते हैं इसकी हाइट है। इतनी प्रकार खोल लेंगे, इसकी दो तरह से हाइट ले सकते हैं, या तो हम ये हमने इतनी प्रकार खोल करके यहाँ से हमने इस तरह से ऊपर निशान लगा दिया, यहाँ भी हम निशान लगा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे जो आपका ये एक्स वाई रेखा है इसके ऊपर प्रकार आपका फुट्टा रखेंगे और सी से जो है वो समांतर रेखा लगा देंगे इस तरह से। जिधर को भी आप चाह कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, ये आपका सी है तो हमने सी से हमने यहाँ पे डॉटेड रेखा लगानी है इस तरह से, यहाँ भी हमने डॉटेड लाइन लगानी है इस तरह से, ये हमारे सेंटर पॉइंट है। ये अब आपका आ गया सी डबल ए टी के साथ, ये भी आपका सी है डबल ए टी के साथ। अब हमने क्या करना है, ये जो आपकी रेखाएं हैं इनको हमने सी के साथ डार्क मिला देना है, यहाँ भी हम इसको डार्क मिला। तो ये चीज जो है जब हम साइड से देखेंगे इस तरह से हमें ये दिखेगी। ये जो आपका बी पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, ये आपका ढक जाएगा पीछे, तो ये हमारा डॉटेड आएगा क्योंकि दोनों कोने हमारे को दोनों साइड से नहीं, यहाँ से दोनों दिख रहे हैं तो यहाँ से हमें सिर्फ ये दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा इस तरह से। और अब हम इसको ऊपर से भी मिला देंगे, ये हमारी थोड़ी लाइन रह गई थी यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ डार्क ऊपर तक इस तरह से। अब हम इसको ऊपर से भी मिला देंगे आपस में, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारी जो आपकी समबाहु त्रिभुज घनक्षेत्र है, ये हमारा बनके तैयार हो गया। ये प्रश्न नंबर है 29। अब इसका ये ऊपर वाला दृश्य है, ये इसका सामने वाला दृश्य, सामने से इस तरह से दिखेगा, ऊपर से इस तरह से दिखेगा, ये हमें साइड से जो है इस तरह से दिखेगा। ये हमारा बनके तैयार।